स्टार्ट आज जो करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज अ ड्राफ्टिंग विच इज टोटली बेस्ड ओवर आवर चैप्टर मीटिंग. सो इट इज एडवाइजेबल फॉर एवरीवन टू डू दिस चैप्टर आफ्टर डूइंग द चैप्टर ऑफ मीटिंग. ड्राफ्टिंग को मैं दो भागों में डिवाइड करूं, एक वो है जो कंपनीज एक्ट के ऊपर कवर्ड है और दूसरा इसका वो भाग है जो कंपनीज एक्ट पे बेस्ड नहीं है. मैं जो ड्राफ्टिंग करवाऊंगा मैं अभी कंपनीज एक्ट के बेस वाली करवा रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों ने मीटिंग्स जस्ट खत्म करा, हमें ताजा ताजा याद भी है. हम बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े अच्छे से उस बारे में करेंगे और हंसते हुए इजी इजी टॉपिक्स में, इजी इजी लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के में मेरे सामने रखे हुए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नोटिसेस, उनके नोटिस में जो जो आसान लैंग्वेज होगी मैं उन सारी चीजों को कंसीडर करके आपको ड्राफ्टिंग फ्रेम करूंगा. सर हम लोगों ने पढ़ा था एजीएम क्या होती है, तो अब हमें क्या लिखना है, नोटिस फॉर एजीएम. हमें नोटिस फॉर एजीएम देना है. नोटिस फॉर एजीएम क्या है कि हम जो है एजीएम कर रहे हैं, हम जो है एजीएम कर रहे हैं और वो एजीएम किस लिए कर रहे हैं, हम एजीएम कर रहे हैं और हमें इस बारे में क्या देना है, नोटिस देना है. हमें नोटिस देना है इस बारे में किस चीज का कि भैया हम एजीएम कर रहे हैं. मेरे सामने एक प्रैक्टिस मैनुअल है, प्रैक्टिस मैनुअल के चैप्टर नंबर 18 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन ये है कि ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर एबीसी एनुअल जनरल मीटिंग विद द फोर ऑर्डिनरी बिजनेस. अरे भैया ये अगर बात नहीं लिखते तब भी हम ये मानते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं, चार ही तो होते हैं, इसके अलावा ऑर्डिनरी बिजनेस होते ही नहीं है. देयर आर फोर ऑर्डिनरी बिजनेस. कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले के बाद कौन सा आता है बेटा मेरे, डिविडेंड वाला. डिविडेंड वाले के बाद कौन सा आता है, डिविडेंड वाले के बाद कौन सा आता है बेटा मेरे, ऑडिटर्स वाला. उसके बाद कौन सा आता है, डेटर्स. ये याद है या नहीं है, यहां तक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए. किसी के पास मेरा वो थे नोटिसेस दिए थे, वो नोटिसेस किसके पास है दे दीजिए प्लीज. मिनट्स के भी दिए थे, किसी को मेरे मीटिंग का भी दिया था. ओके मेरे पास टाटा स्टील की मीटिंग का नोटिस है एंड वो ईजीएम का नोटिस है. मैं एजीएम का नोटिस देखता हूं. इट इज अ नोटिस ऑफ द एजीएम ऑफ टाटा का एक नोटिस है और टाटा के नोटिस में क्या लिखा हुआ है. हमने देखा था जब हम नोटिस देते हैं तो नोटिस के अंदर क्या मेंशन होना चाहिए बेटा, नोटिस के अंदर मेंशन होना चाहिए डे, डेट, टाइम, प्लेस और एजेंडा. एजेंडा क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन ने कहा हुआ है जी फोर ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में लिखना है, लेकिन मैं जो एजेंडा लिखूंगा मैं उसके अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ साथ एक स्पेशल बिजनेस के बारे में भी लिख दूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई स्पेशल बिजनेस के बारे में पूछे तो वही स्पेशल बिजनेस आप पेपर के अंदर लिख पाओ. क्योंकि रीजन ये है, जब भी हम क्या देते हैं, जब भी हम नोटिस देते हैं उसके साथ हमें क्या देनी पड़ती है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है. तो हमें जब स्पेशल बिजनेस में इंक्लूड करूंगा नोटिस के अंदर तो आपका क्या स्ट्रांग हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला पॉइंट भी वो स्ट्रांग हो जाएगा. जब भी हम नोटिस देते हैं तो बेटा एक चीज के बारे में हमेशा मेंशन करना पड़ता है. क्या मेंशन करना पड़ता है कि मेंबर्स के पास जो मेंबर्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंड वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है वो क्या कर सकते हैं, वो मीटिंग के अंदर वोट भी कर, वो अपनी जगह किसको अपॉइंट कर सकते हैं, प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं. एंड प्रॉक्सी फॉर्म कितने घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए, 48 घंटे पहले मीटिंग से पहुंच जाना चाहिए. क्या प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ अटैच है या नहीं है, यहां है. ये सारी चीजें हम मीटिंग के अंदर मेंशन करते थे. जितनी भी चीजें पड़ी है उसको अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है. जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बेटा नोटिस मैं एक बॉक्स बना देता हूं. सबसे पहली लाइन क्या होगी, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द कौन सी एजीएम है,
एनुअल जनरल मीटिंग, मैं यहां पे कर रहा हूं द सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी का नाम, मैं अपना ही नाम रख रहा हूं विनीत एजुकेशन लिमिटेड, विल बी हेल्ड ऑन डे, डे है मेरा फ्राइडे, डेट अगस्त 12, 2016 एट क्या होगा बेटा टाइम टाइम एट 3 PM, 3 PM के आगे आप लिख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST at place at the 2/86 ललिता पार्क मुथूत फाइनेंस वाली गली फाइनेंस वाली गली अपोजिट टू मेट्रो पिलर नंबर नंबर 26 लक्ष्मी नगर दिल्ली 92। अरे ये हमारा प्लेस है जहां पे हमारी मीटिंग हो रही है। हाँ नहीं, यहां पे ये सारी लाइंस आप लिख सकते हो इजीली, यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई सबसे पहले आप जब भी नोटिस लिखोगे तो किन किन चीजों के बारे में, कौन सी एजीएम है, किसकी है, डे डेट प्लेस एंड प्लेस, क्या था बात समझ में आ गया नहीं आ गया क्या? टू टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, द फॉलोइंग बिजनेस, फर्स्ट कौन सा होता है अपना ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस दो तरीके हैं लिखने के, या तो मैं किसी कंपनी का तरीका अपनाऊं या मैं बिल्कुल सिंपल लिखवाऊं। मैं जो लिखवा रहा हूं एक प्रैक्टिकल अप्रोच ऑब्टेन करके लिखवा रहा हूं, आई एम यूजिंग द अप्रोच व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय द टाटा यूएस टाटास के जो है, मैं टाटा की वाली की पूरी टाटा स्टील की जो है वो पूरी अप्रोच मैं लिखवा रहा हूं टाटा स्टील को फॉलो करते हुए। हमारा नोटिस थोड़ा सा बड़ा जाएगा ऑर्डिनरी के मुकाबले, लेकिन जब आप इस नोटिस को देखोगे तो आप खुद ही कहोगे सर वाकई में एक अच्छा सा लग रहा है और हमें वाकई में एक नोटिस की फील आ रही है कि हम ये सब नोटिस दे रहे हैं। इफ यू वांट टू लर्न, व्हाई डोंट वी लर्न विद एन एक्सीलेंस, सो लर्न दिस पॉइंट्स वेरी केयरफुली। आपको ये सारे पॉइंट्स आते हैं और आपको आते हैं सर, देखिए फर्स्ट आइटम नंबर वन,
adoption of audited adoption of audited audited financial statement पहला पॉइंट यही था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला. अगर आपको अगर इसके नोटिस में याद हो तो अगर आपको नोटिस का याद हो तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला. यहां तक पॉइंट क्लियर है या नहीं. ओके नाउ और अडॉप्शन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें क्या लिखना है वो देख लेते हैं. ये लैंग्वेज ऐसी ही रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने चेंज किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. फर्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट पे टू रिसीव consider and adopt to receive consider and adopt the audited audited financial statements of the company for the financial year ended March 31st 2016 and the reports of board of director. Please don't use the short forms which I have used. I have used the short form which is a board of director and the auditors thereon. I'll repeat once again. सबसे पहली आइटम क्या है? Adoption of audited financial statement. जो अडॉप्शन और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट है उसमें हमने क्या करा है, हमने कहा है रिसीव करेंगे, कंसीडर करेंगे और अडॉप्ट करेंगे. किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की. कब की? 31 मार्च 2016 की. एंड उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट है उसको रिसीव करेंगे, कंसीडर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे. एंड जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसको भी रिसीव करेंगे, कंसीडर करेंगे एंड अडॉप्ट करेंगे. यहां तक बात समझ में आया? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरी वन, देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद एनी वन. द फर्स्ट आइटम इज क्लियर विद एवरी वन. फर्स्ट नाउ वी विल राइट द आइटम नंबर सेकेंड, हाउ इट इज प्रेजेंट, हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द नोटिस. इजी लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? लग रहा है तो भी पढ़ना है, नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा तो भी पढ़ना है. कोई और ऑप्शन लेफ्ट ही नहीं है. आइए सब आइटम नंबर टू. आइटम नंबर टू किसकी थी बेटा? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. संतोष समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है. फर्स्ट टू डिक्लेयर, टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ
रुपीज 8 पर शेयर पर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16. Do not use any of the short form which I am using now. I am just using just to save my time, just to make you understand easily. So second item क्या declaration of dividend और आपको इसमें क्या बताना है कितना आप dividend declare करने की बात कर रहे हो. Third point क्या था? Appointment of auditor. First, to appoint a director in place of Mr. Chandu. चंदू भैया का डिन नंबर है, बना डिन नंबर है 00014028. प्लीज डोंट सर्च दिस नंबर इज माइट बी इनवैलिड. हु रिटायर्स बाय रोटेशन एंड बीइंग eligible seeks reappointment. अगर हम चाहे तो उनको retire कर सकते हैं and उनको क्या कर सकते हैं अपने आपको reappointment भी क्या कर रहे हैं कि आप चाहो तो उन्हें reappoint भी कर सकते हो. तो पहला पॉइंट क्या था बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था. सेकंड था अपना डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और तीसरा क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. शिट, डायरेक्टर. आइटम नंबर 4. आइटम नंबर 4, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. मैं यहां पे ना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बात कर रहा हूं. हाँ, अब क्या है, ऑडिटर जो है आप उसे अपॉइंट भी कर सकते हो. जब आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो कितने साल के लिए करते हो? 5 सालों के लिए करते हैं. तो सेकेंड एजीएम है ना अपनी, हाँ सेकेंड एजीएम में नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे रेटिफिकेशन होगा. बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आपने अगर फर्स्ट एजीएम में किसी को अपॉइंट किया है तो अगले 6 सालों तक जाएगा, दैट इज सिक्स एजीएम में जाएगा. सिक्स एजीएम में दोबारा आपको उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है 11th एजीएम में. तो एजीएम लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आप रेटिफिकेशन करवा रहे हो या अपॉइंटमेंट करवा रहे हो. हमने कौन सा एजीएम लिया है? सेकेंड एजीएम लिया है. हम यहां पे रेटिफिकेशन लेंगे या फिर हम क्या करेंगे? यहां पे हम लेंगे रेटिफिकेशन. यहां तक बात समझ में आ गया? पक्का पक्का अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको अच्छे से हो गया सब कुछ? ओके ओके ओके. रेटिफिकेशन ऑफ थैंक यू सो मच महेंद्र भैया. महेंद्र भैया रेटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ
मेरा रेटिफिकेशन का मतलब होता है जिन जिन डायरेक्टर को हमने क्या किया है, जिन डायरेक्टर को हमने क्या किया है और अपॉइंट किया है, जिन ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी टेस्ट हुए थे ना सबकी एक एक कॉपी निकाल के लिया बस। अच्छा अब समझ में, हाँ ओके, रेटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू कंसीडर एंड इफ थॉट फिट टू पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। आइए बेटा प्लीज भाई बोले 10 मिनट बाकी है, तुम सर का मन नहीं है। अगर आप रेटिफिकेशन वर्ड यूज करोगे ना तो आपको बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, कम से कम 8 लाइनों का लिखना पड़ेगा, 8 क्या इससे भी ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर अब भाई मेरी बात सुन लो, मैं कुछ चीजें जो बोल रहा हूं प्लीज उसको सोच समझ के बोल रहा हूं। मैं इसको रेटिफिकेशन की जगह अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कर देता हूं, लेकिन पता है मुझे नोटिस में क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे जो है यहां पे सेकेंड एजीएम की बजाय कौन सी एजीएम करनी पड़ेगी, फर्स्ट या सिक्स करनी पड़ेगी। तो रादर देन मैं उसको क्या करूं, फर्स्ट करो, सिक्स करो, इलेवेंथ करो, क्या गलत लिखा है ऑडिट वाले भैया, क्या टू अपॉइंट स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू अपॉइंट स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM and fix their remuneration। हमने क्या कहा भैया, हम स्टैच्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे कहां से, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से लेके
कहां तक के लिए भैया जी, 6th AGM के, उनका रेमुनेशन को भी फिक्स करेंगे। द प्रेजेंट और द प्रेजेंट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, यहां पे कंपनी का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे कंपनी का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। कंपनी, कंपनी क्या नाम है भैया, एमएस एमएस अनुज दिव्या एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली रिटायर एट दिस AGM एंड आर एलिजिबल फॉर for reappointment are eligible for reappointment for a period of 5 years to appoint statutory auditor of the company from the conclusion of 1st से कब तक रहेंगे, 6th तक, and उनका हम remuneration fix करेंगे। जो हमारे present auditor है Mr. अनुज दिव्यान कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दिल्ली वाले, उन्होंने वो रिटायर हो रहे हैं इस AGM में, और वो क्या कह रहे हैं कि भैया हम जो अगले 5 सालों तक क्या हो सकते हैं रिटायर, वो आपके लिए अपॉइंट हो सकते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या क्या बेटा, अब क्यों, जो भी फर्स्ट जो भी ऑडिटर होता है ना, जब हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो कंपनी बनाने के बाद ही अपॉइंट कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है 1st AGM में। 1st AGM से शेयर होल्डर अपॉइंट करना चालू करते हैं। रेमुनरेशन पैसा कितना देंगे, नहीं अभी हाथ का पास समझ में आ गया पक्का, मैं अभी ऑर्डिनरी बिजनेस वाला लिखवा रहा हूं, स्पेशल बिजनेस तो मैं EGM के अंदर लिख के लिखवा दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ऑर्डिनरी बिजनेस आगे इसके अंदर क्या लिखना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब चालू हुई है। देखो ये चार चीजें तो आप लिख दोगे, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दोगे, मैं इतना तो बिलीव कर सकता हूं, लेकिन हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किसके लिखने हैं, प्रॉक्सी के लिखने हैं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखना है वो हमें प्रॉक्सी का लिखना है। हमें लिखना है कि भैया कौन, देखो आगे लिखते हैं इसके बारे में, बस बस बस, हाँ बस बस बस, इतना सा टाइम, बस 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 बस, हाँ बस 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 बस, अरे बस आज ज्यादा नहीं है, अब बस एक नोटिस ही तो क्या पूरी क्लास में, बस आपको, आप लिखोगे नोट, लिखोगे नोट में क्या लिखोगे, हाँ नोट भी लिखना है, अ मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट is entitled to appoint, is entitled to appoint a proxy, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself, मतलब
सर यहां तक बात समझ में आ गया नहीं आ गया? प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. प्रॉक्सी जो है मेंबर प्रॉक्सी जो क्या होनी नहीं चाहिए, मेंबर कंपनी की मेंबर नहीं होनी चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू बी वैलिड प्रॉक्सी प्रॉक्सी फॉर्म एज अटैच्ड विद द नोटिस रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी at its registered office not less than 48 hours before the meeting. क्या बॉक्स में लिखोगे बहुत अच्छा लगता है. यहां तक लिखकर समझ में आ रहा हूं, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस. हाँ बस अब इसको बाय ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन लिखोगे मिस्टर अरुण कंपनी सेक्रेटरी मेंबरशिप नंबर 010704 जो भी लिख देना. यहां पे लिखना दिल्ली प्लेस डेट क्या होगी May 25, 2016 और यहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस. सर यह था सिर्फ एक सिंपल नोटिस जो कंपनी को कंपनी देती है अपने मेंबर्स को जब वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करती है. सर यहां तक बात समझ में आ गया? प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए. आप एक काम कीजिए, जो मैं पेज फ्लैश कर रहा हूं आप उसको एक बार देख लीजिए और अपने रिस्पेक्टिवली वीडियोस को आप जो है स्टॉप करके इन पेजेस को आराम से लिख लेना. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं बाकी सारे नोटिसेस और मिनट्स के बारे में लिखवाऊंगा. पेज नंबर 1 था ये, पेज नंबर 2 और ये लास्ट पेज विच इज अ पेज नंबर 3. कोशिश करना जो नोटिस लिखो वो हमेशा बॉक्स के अंदर लिखो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शब्बा खैर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज द नेम ऑफ विनीत जैन.